Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आज चार विधानसभा सीटों के नतीजे आ रहे हैं, तो चार विधानसभा सीटों के नतीजे आने के साथ साथ पश्चिम बंगाल का आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं। वहीं बात करें तो आपको पता होगा कि बाबुल सुप्रियो, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, 2014 में विधानसभा जीते, लोकसभा जीते, 2017 में लोकसभा का चुनाव जीते थे और वो भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अचानक से वो अपने सांसद पद से उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के साथ साथ जो वेस्ट बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट थे वो खाली हो गई, और उसके बाद वहां पर चुनाव लड़ने के लिए लगातार प्रत्याशी जो थे वो संघर्ष करने लगे। लेकिन फाइनली जो है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जबरदस्त तरीके का तरकीब निकाला, सोच निकाला, और वहां पर उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके और बड़े अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा, और शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से जबरदस्त तरीके का जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं। जी, अब बात करें तो अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 12 बज रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा को 2,78,920 वोट मिले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अग्निमित्रा पॉल को महज 1,63,000 वोट मिले हैं, तो वहीं सीपीआई को जो है इसमें 37,460 वोट मिले हैं। तो वहीं अगर मैं बात करता हूं शत्रुघ्न सिन्हा का, तो लगभग 1,15,733 वोट से आगे चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं, और जो पश्चिम बंगाल है वहां से शत्रुघ्न सिन्हा अब लोकसभा में दहाड़ते नजर आएंगे। और ममता बनर्जी ने पूरी रणनीति के साथ शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा था, क्योंकि जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो नेशनल लेवल के लीडर हैं और हिंदी भाषी हैं, तो वहां पर जाकर टीएमसी के लिए जबरदस्त तरीके का भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे। और 2024 की मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इतना बड़ा खेला किया है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीतकर आते हैं तो लोकसभा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर दहाड़ते नजर आते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से संसद के उच्च भवन लोकसभा में टीएमसी के माध्यम से पहुंचने वाले हैं, और जबरदस्त मार्जिन के साथ, लगभग 1,00,000 से ज्यादा मार्जिन के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.